हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो स्काई है वो स्काई अलग अलग लेयर्स में क्या हुआ है, डिवाइडेड है। अभी ये जो अलग अलग लेयर्स है वो अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये अर्थ के लिए कैसे यूजफुल है, उसके वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स जितने भी लिविंग थिंग्स है ऑन अर्थ उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, ये सब ये सेशन में हम देखने वाले। Before proceeding with the chapter, you can connect me on Instagram. This is my YouTube channel. Let's begin with the topic. अभी ये जो टॉपिक है यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये क्या है, सोलर सिस्टम। अभी ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, ठीक है। अभी ये प्लैनेट्स को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अभी एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। अभी ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम यहाँ पे अर्थ है, इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है। इट इज द ओनली लिविंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, लिविंग प्लैनेट, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। अभी जो अर्थ है, ये अर्थ और जो सन का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दो टाइप्स में है। एक तो जनवरी में उसका जो डिस्टेंस है वो अलग देखने को मिलता है, और जुलाई मंथ में जो डिस्टेंस है वो अलग देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जनवरी में जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्लोजेस्ट टू द सन, क्लोज टू द सन। यहाँ पे जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो ये जो जनवरी का जो मंथ होता है यहाँ पे सन से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होती है। यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 147 मिलियन किलोमीटर का। और तभी जब जुलाई में आते हैं तो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। सन इज फारसेस्ट फ्रॉम द सन, फार फ्रॉम सन, तो इसका डिस्टेंस यहां पे कितना हो जाता है, 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अभी ये जो अर्थ है, अर्थ के लिए ये एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है, ये यहां पे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का जो ये पूरा पोर्शन है ये एटमॉस्फेयर से लेयर से बना हुआ है। पहला तो इट रेगुलेट्स द अर्थ वाटर साइकिल। अभी जो वाटर साइकिल है बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, जो ओशन होता है, ये ओशन का जो पानी है ये इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होने से उसके स्काई में क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद उसका प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश गिरती है, रेन, ठीक है। ये जो रेन होती है ये फ्रेश वाटर रिवर होता है, फ्रेश वाटर जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ओशन वाटर तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस, इट रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करने का ये काम करता है। अर्थ का टेम्परेचर कैसे, अभी ये अर्थ है, ये सन है, अभी ये सन से डायरेक्ट रेज आती है अर्थ पे, अभी ये जो रेज आती है, ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सन का जो हीट है वो विद इन द एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि जो अर्थ अर्थ पे जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, उसके लिए ये क्या करता है, हीट को ट्रैप करके रखता है। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। अभी जो एटमॉस्फेयर है ये प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ, हम लोगों ने देखा कैसे। अबे एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ठीक है, ओजन लेयर, ठीक है। ओजन लेयर जो है ये क्या करता है, ओजन लेयर जो सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो हार्मफुल रेज होते हैं सन के, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अर्थ पे है वो अर्थ से फिल्टर करके, जो हार्मफुल रेज होता है उसको फिल्टर करके अर्थ पे यूजफुल रेज भेजता है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। अभी जो ऑक्सीजन है ये विद इन द एटमॉस्फेयर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई ह्यूमन बींग और लिविंग थिंग अगर स्पेस में चला जाता है तो उसकी विद इन अ सेकेंड डेथ हो जाती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्मॉल मीटियर्स। अभी यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, एक मीटियर्स होता है, एक मीटियोराइड होता है, मीटियोराइड। अभी ये जो मीटियर्स होते हैं, मतलब जो पत्थर या स्टोन, स्टोन अगर कोई स्पेस में से अर्थ के एनवायरमेंट में एंटर कर रहा है तो ये जो स्टोन है वो फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ स्पीड और उस जो हीट की वजह से। तो ये जब तक ये जो स्टोन है ये जब तक स्काई में होता है इट इज कॉल्ड एज मीटियर, और वही स्टोन जब अर्थ पे गिर जाता है उसको बोला जाता है मीटियोराइट, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। विदाउट एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम स्मेल नहीं ले पाते, चीजें टेस्ट नहीं कर पाते, जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाता एक जगह से दूसरी जगह, और कंबशन पॉसिबल नहीं होता। कंबशन मतलब जो फायर है वही बर्न नहीं होती, मतलब हम कुकिंग नहीं कर पाते, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है जो फ्यूल पे चल रही है वो नहीं चल पाती। ये इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेरिक लेयर्स का। अभी ये लेयर्स है, अभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। ये स्टार्ट यहाँ पे अर्थ का, ये अर्थ का ग्राउंड है, ठीक है, सरफेस, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर तक ये पहला लेयर आता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेजोस्फियर, मेजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर,
थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर। अब ये लेयर्स को याद करने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट। TR फॉर ट्रोपोस्फीयर, ST फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, ME फॉर मेजोस्फीयर, TH फॉर थर्मोस्फीयर, ये EX फॉर एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक आपको हेल्प कर सकती है। अभी वन बाय वन एक लेयर को समझेंगे। ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रोपोस्फीयर। अभी जो ट्रोपोस्फीयर है ये अर्थ के सरफेस से 10 to 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। 10 to 12 किलोमीटर तक हाइट होती है। और जैसे ये जो अर्थ है अपना, ठीक है, यू नो दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, इट इज जियोइड। ठीक है, अर्थ जो है वो क्या है, जियोइड है। मतलब इट इज फ्लैटन एट द पोल्स। ये पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। द अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। ये इक्वेटर होता है तो इट इज बल्जिंग एट द इक्वेटर। इन द सेम वे अभी जो ट्रोपोस्फियर है इसका जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर जब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल चले जाते हो तो इसका 12 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस हो जाता है, लेस देन 12 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फियर उसका डिस्टेंस होगा 10 to 12 किलोमीटर, पर पोल्स पे जो उसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, इट इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। अभी जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्पियर में, ये जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेम्परेचर हाइट बढ़ते बढ़ते जाती है जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस होते जाता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। क्यों? यहाँ पे हिमालय का एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर अपन जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं बर्फ देखने को मिलती है, स्नो देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जैसे ट्रोपोस्पियर में जैसे तुम ऊपर ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है, ठंडी बढ़ने लग जाती है ट्रोपोस्पियर। अब ये जो ट्रोपोस्पियर है ये ट्रोपोस्पियर खत्म होता है यहाँ पे, उसको ट्रोपोपॉज बोला जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्पियर और स्ट्रेटोस्पियर जब दोनों के बीच का जो ये लाइन है इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, अभी ये जो ट्रोपोस्पियर है इट इज द डेंसेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर। डेंसेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर मतलब क्या, ये सबसे फर्स्ट लेयर है, इसके बाद और ऊपर चार लेयर है। ये उसके ऊपर क्या करती है, उसको ये लेयर को कंप्रेस करती है, सबसे डेंसेस्ट लेयर होती है। अभी जितने भी वेदर एक्टिविटीज है, वेदर एक्टिविटीज मतलब वेदर एक्टिविटीज सारे ट्रोपोस्पियर में होती है। वेदर एक्टिविटीज कौन से होती है, वेदर एक्टिविटीज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वेदर एक्टिविटीज पहले तो बारिश, रेन भी ट्रोपोस्पियर में होगी, क्लाउड फॉर्मेशन भी ट्रोपोस्पियर में होगा। ठीक है, उसके बाद जो साइक्लोन्स होंगे वो भी ट्रोपोस्पियर में होंगे। जितने भी फेनोमिनल एक्टिविटीज होती है एनवायरमेंट से रिलेटेड वो बस ट्रोपोस्पियर में होती है। बिजली भी गिरेगी तो ट्रोपोस्पियर में ही गिरेगी, इसके ऊपर कोई वेदर एक्टिविटीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द एविएशन, अभी जो एविएशन होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ये कमर्शियल जेट यहाँ पे देख सकते हो, ये एयरक्राफ्ट भी क्या करते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के ट्रोपोपॉज का जो एरिया होता है यहाँ पे फ्लाई करते हैं, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं ये विद इन विद इन द ट्रोपोस्फेयर ही होते हैं। तो ये कमर्शियल फ्लाइट, ये फ्लाइट जो एरोप्लेन भी होते हैं ये थोड़ा सा ये ट्रोपोपॉज में फ्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। अभी ये है स्ट्रेटोस्फियर, पहला ट्रोपोस्फियर पढ़ लिया हम लोगों ने, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। अभी जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये 12 to 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाता है, 50 किलोमीटर तक यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है। अभी ये स्ट्रेटोस्फीयर ये ऐसा स्पीयर है यहाँ पे ओजन लेयर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये ओजन लेयर है। ठीक है, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये ओजन लेयर है, ये पूरा ओजन लेयर है, देख सकते हो। ये ओजन लेयर क्या करता है, अर्थ को सन के हार्मफुल रेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। ठीक है, उसके बाद इसका जहां पे टेम्परेचर है, ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने देखा जैसे आप ऊपर स्काई की तरफ चलते जाते हो, हाइट बढ़ते जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता चले जाता है। पर स्ट्रेटोस्फीयर में उल्टा है, जैसे आपकी हाइट बढ़ते चले जाती है तो यहां पे टेम्परेचर क्या करते चले जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ते चले जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ओजन लेयर। जो ओजन लेयर होता है ये क्या करता है, सन के जो हीट है वो एब्जॉर्व कर लेता है, और सन की हीट एब्जॉर्व करने की वजह से क्या हो जाता है, ये लेयर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसीलिए जैसे आप यहाँ पे हाइट बढ़ते बढ़ते जाती है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता बढ़ता जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फीयर का जो ये जो एरिया है ये क्लाउड फ्री और वेदर फ्री एरिया है, मतलब यहाँ पे बहुत रेयरली कोई क्लाउड दिखेगा, एक ही क्लाउड दिखेगा, इसको बोला जाता है पोलर स्ट्रेटोस्ट्रोपिक क्लाउड। बाकी कोई क्लाउड एक्टिविटी नहीं होती या वेदर एक्टिविटीज यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी जो पोलर स्ट्रेटोस्ट्रोपिक क्लाउड है, दे आर द रीजन, दिस क्लाउड आर द रीजन फॉर होल इन ओजन लेयर, होल इन ओजन लेयर। अभी जो ओजन लेयर है ये अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ह्यूमन बींग्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं उससे। अगर ये हार्मफुल रेज अर्थ तक आ जाते
तो ह्यूमंस को जो जितने भी लिविंग बींग्स है उनको अफेक्ट होता, स्किन कैंसर हो जाते, बहुत सारे डिजीज हो जाते, घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। पर ये जो ओजन लेयर है क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको फिल्टर करता है वो रेज को, और जितने भी जो सेफ रेज होती है वो अर्थ तक आती है। अभी जो ओजन लेयर है उसको होल हो रहा है, होल मतलब क्या है, ये जो लेयर है ये कट जा रहा है। तो ये अंटार्कटिक में ये लेयर हो गया था, उसमें होल आ गया था, ये किसकी वजह से आया था, पोलार स्टेटोस्ट्रोपिक क्लाउड्स की वजह से आया था। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे जो एटमोसफेयर, यहाँ पे जो जेट प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जेट प्लेन्स मतलब जो फाइटर जेट्स होते हैं, ये इसी लेयर तक आ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं आ सकते, स्ट्रेटोस्फीयर इज द लास्ट लेयर फॉर देम। अभी नेक्स्ट है मेजोस्फीयर। अभी जो मेजोस्फीयर है, यहाँ पे पहला स्ट्रेटोस्फीयर देख लिया, ये फर्स्ट लेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर देख लिया, ये सेकेंड लेयर, उसके बाद ये मेजोस्फीयर है, ये है थर्ड लेयर। अभी ये 50 to 80 किलोमीटर्स में एग्जिस्ट करता है, 50 to 80 किलोमीटर्स में एग्जिस्ट करता है। इट गेट प्रोग्रेसिवली कोल्डर। अभी स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोगों ने देखा जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे हीट बढ़ रही थी, यहाँ पे वापस उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जैसे हाइट बढ़ेगी यहाँ पे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होते जाएगा, मतलब ठंडी बढ़ते जाएगी। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है मेजोस्फीयर में, 85, -85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अभी ये मेजोस्फीयर है, यहाँ पे मीटियोर्स होते हैं वो बर्न होते हैं। मैंने बताया था स्पेस में से जो भी डेब्रीज होता है, स्पेस में से जो भी स्टोन्स आते हैं अर्थ के एनवायरनमेंट में घुसते हैं, तो यहाँ पे वो फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फायर बॉल में। कौन से लेयर में फायर बॉल में कन्वर्ट होते हैं, वो मेजोस्फीयर में फायर बॉल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मीटियोर है। अभी रॉकेट्स एंड रॉकेट पावर एयरक्राफ्ट कैन रीच द मेजोस्फीयर। अभी जो भी रॉकेट टेक्नोलॉजी होती है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसको रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वही एयरक्राफ्ट मेजोस्फीयर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो ट्रांजिशनिंग पीरियड है स्ट्रेटोस्फीयर का और मेजोस्फीयर का जो ट्रांजिशनिंग पॉइंट है, इसको स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। ये बीच में आप लाइन देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ट्रोपोस्फीयर में भी ट्रोपोपॉज देखा था हम लोगों ने, ये ट्रांजिशनिंग टाइम ये था लेयर था। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। अभी ये जो थर्मोस्फीयर है ये क्या है, लास्ट सेकेंड लेयर है, ये है थर्मोस्फीयर। ये 80 to 700 किलोमीटर्स में एग्जिस्ट करती है, ये 82 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 80 to 700 किलोमीटर्स। ठीक है, इट इज, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ज़्यादा है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर ये थर्मोस्फीयर में 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ऐसे टेम्परेचर में तो कोई भी चीज़ 1 मिनट में जल के राख हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो अपना एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट्स भेजते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है सैटेलाइट्स भेजना, ये तो लेयर से तो पास होना पड़ेगा अगर आपको स्पेस में सैटेलाइट भेजना है, तो ऐसे 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये लेयर सैटेलाइट अपने पास कैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसका सिंपल रीजन है क्या है, ये जो थर्मोस्फीयर है, ये थर्मोस्फीयर में जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी हीट के जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, वो एक जगह पे नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, मतलब किलोमीटर्स दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, जिससे क्या हो जाता है, जो हीट है वो इफेक्ट नहीं करती अपने सैटेलाइट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत अगर पास पास में होते, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते, तो अपना सैटेलाइट अगर इसके इसके कॉन्टेक्ट में आ जाता तो 1 मिनट जल के राख हो जाता, पर ऐसा नहीं है। इसके जो मॉलिक्यूल्स है थर्मोस्फीयर में, ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक है, मतलब किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो दो सबके बीच में, तो इससे क्या हो जाता है, अपना जो सैटेलाइट है वो पास हो जाता है और जो इतनी हीट है उसको अफेक्ट नहीं करती। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, लो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स। अभी इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होते जाता है विद द एल्टीट्यूड, बिकॉज ये स्पेस के बहुत पास में करीब में होने वाला है। थर्मोस्फीयर जो है, ये थर्मोस्फीयर ये क्लाउड और वाटर फ्री एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लाउड भी नहीं दिखेंगे और वाटर वेपर भी नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, वाटर वेपर नहीं तो क्लाउड कैसे फॉर्म होंगे। अभी ये जो थर्मोस्फीयर में आपको यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, जो नॉर्दर्न लाइट्स, ये जो ऑरा होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज में, ये नॉर्दर्न लाइट्स है, ये कौन से स्फीयर में होते हैं, ये थर्मोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, मोस्ट ऑफ द ये एंटार्कटिक रीजन या आर्टिक रीजन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्दर्न लाइट और ये सदर्न लाइट्स होते हैं। अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये पांच कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया। ठीक है, उसका यूएसए का जो है वो नासा ने, ठीक है, जापान का जैक्सा, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और उसके बाद रॉसकॉस्मोस जो रशिया का, रॉसकॉस्मोस ये किसकी स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी। ये सब ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। कहाँ पे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी भी सिचुएटेड, थर्मोस्फीयर में सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्चेस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो अर्थ का जो पूरा एनालिसिस है उसमें यहाँ पे किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अभी लास्ट लेयर है एग्जोस्फीयर, लास्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, दैट इज एग्जोस्फीयर। इट इज लोकेटेड 700 to 10,000 किलोमीटर्स में लोकेटेड है।
ठीक है, और यहाँ पे इट इज द हाइएस्ट लेयर, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के होंगे, और कोई भी गैस या कोई भी चीज यहाँ पे एक्सोस्फीयर में आ जाती है तो वो क्या कर देती है, इट एस्केप एस्केप्स इनटू द स्पेस, स्पेस में चली जाती है, ठीक है। इट इज नो वेदर, यहाँ पे वेदर वगैरह का कोई एक्टिविटीज नहीं होगी या कोई एक्सपोजर नहीं होगा, कोई वेदर एक्टिविटी भी नहीं होगी, इट इज द लास्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।